हेलो फ्रेंड्स, मॉम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ईबीएस में चैप्टर सेकंड माय बॉडी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम, ये मैंने चार्ट बनाया है बॉडी का, इसके नेम लिखे हैं। बच्चों को इस तरीके से चार्ट दे बनाकर, इसके बॉडीज नेम लिखे तो बच्चों को लर्न हो जाएगा अच्छी तरीके से, कि एक एक पार्ट के बारे में पता चलेगा कि कौन सा पार्ट के नेम क्या है। तो इस तरीके से चार्ट दें बच्चों को। हेयर, फोरहेड, आईज, ईयर, नोज, नेक, आर्म, चेस्ट, इस तरीके से बच्चों को बॉडी पार्ट का चार्ट बनाकर दें। ऑर्गेन्स, सेंस ऑर्गेन्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ये हमारे सेंस वो होते हैं जो हमें महसूस करते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, जिनसे हम हर कार्य करते हैं। जैसे आईज से हम देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, नोज से स्मेल सुनते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं और स्किन से हम महसूस करते हैं कि हमारी स्किन पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। स्किन ये होती है। तो ये हमारे सेंस ऑर्गेन्स नेम होते हैं। तो बच्चों को इस तरीके से इन्हें लर्न कराएं, पिक्चर दे बनाकर, उनके बच्चे नेम लिखेंगे तो बच्चों को आसानी से ये लर्न हो जाएंगे। कॉलम ए विद कॉलम बी, ये मैंने कॉलम ए कॉलम बी बनाए हैं। इस तरीके से मैचिंग दे। माउथ से क्या करते हैं? ईट, ईट से मैच करें। लेग से साइक्लिंग। नोज स्मेलिंग। हैंड राइटिंग। इस तरीके से बच्चों को मैच द कॉलम दे बनाकर। तो बच्चों को सेंस के बारे में पता चलेगा, बॉडी पार्ट्स के नेम के बारे में पता चलेगा। तो जब बच्चों को लर्न हो जाएंगे सब, तो मैजिक आराम से बच्चा ये सब कर सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं। लेग्स को ईटिंग के लिए यूज